बेटा इधर लेके आओ, साफ इधर लाओ, यहाँ रखो, कब से पकड़े हैं इसे? दो महीने। तो क्या नाम है इसका? गेहूं। बेटा इधर लेके आओ, साफ इधर लाओ, यहाँ रखो। तो हम ये कह रहे हैं जैसे माता जी, अगर इसको छोड़ दिया जाए सब, ये तो छोड़ने की चीज़ है, अगर ये मर जाएगा तब इसको दिखा करके आप कमाते हैं, क्या क्या कमाए हैं? यही चावल मिल जाता है, धोती कपड़ा, पैसा मिल जाता है सर। अच्छा, तो आज लगभग कितना कमाए होंगे? तो जो मिला है 500। जैसे अगर वो सांप काट ले तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें? काट लेता है तो तुरंत उसके चीज दो। अच्छा, चीज दो और पहले बांध दो, उसके बाद खून है रुक जाए तो उसके चीज जी। चीरने के बाद खून नहाओ 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 300-400 बल्टी। जब तक 400 बल्टी, इससे बढ़िया तो गंगा जी में कूद जाओ। इतना पाती है नीक के पीस के, देसी घी गाय के मिलता है, उसी में मिला कर बच जाएंगे। जय हिंद सर। क्या हुआ? कितना सांप पकड़े हैं आप? सर सांप तो बहुत ज्यादा नहीं, दिखाने के लिए पकड़ता हूँ, इसके बाद छोड़ते हैं, छोड़ देता हूँ, मिला करके छोड़ देता हूँ। ये बेचारे 2 महीने से ऐसे ही पड़े हैं ठंडक के महीने में, बगैर कुछ खाए पिए ठंडी मर जाए, लुका के रखे थे अपने ओढ़ना में, छोड़ देते थे और ठंडी मर जाता। जी माँ जी। चलिए, और कोई है किसी के पास? माता जी सांप दिखा दीजिए, सांप। हाँ सांप जो आप पकड़े हैं, ये सांप ही पकड़े हैं, सब आप ही पकड़े हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये लगभग सांप 3 महीने पहले से ही पकड़ा हुआ है, इसकी सेहत देख करके लगता है कि 80 से 85 दिन पहले का सांप पकड़ा हुआ है, बगैर कुछ खाए पिए। इसके टूथ, इसके दांत, इसके हुड जितने भी हैं, इसकी 20 ग्रंथियां सब निकाल दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों बेजुबानों पे थोड़ा अत्याचार हो रहा है, देख करके तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन इनके भी रोजी रोटी का सवाल है, इनके भी परिवार, फैमिली में बहुत सारे छोटे बच्चे परिवार रहता है। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इनको बचाया जाए। माता जी आप कितना कमाती हैं दिन भर में, मतलब ये कितना पैसा कमा लेंगी होंगी? ये सब क्या है? ये क्या है? पैसा ये नहीं है, इसको हम छू सकते हैं? काट लेगा तब? अरे सर, हम इसको ले जाएंगे माँ जी आज अपने घर, ये लीजिए आप, ऐसे ले जाएंगे। हम इन सांपों को बचाने का काम करते हैं, इन जीवों के। हाँ आप इतने दिन से रखे हैं, अब ये मर जाएगा, देखिए चल फिर नहीं पा रहा है, सांप का मतलब होता है भाग जाए तुरंत, छोड़ते ही देखिए भाग पा रहा है। माता जी एक बार इसको भी खोल दिखा दीजिए, ये कौन सा सांप है देखिए आप, रख दीजिए धीरे से। भैया आप लोग खुद देखिए, ये सांप 3 से 4 महीने हो गया लगभग, पूरी तरीके से थक चुका है। अगर इसमें दम होता तब तक ये आगे बढ़ जाता बेचारा। अच्छा आप लोग खुद, आप लोग यहाँ हैं, समझदार हैं, आप लोग समझिए, अगर इस प्रकार से इनको मारा जाएगा, इनकी दांत, इनकी 20 ग्रंथियाँ तोड़ी जाएगी, इसको कौन बचाएगा? लाइए माँ जी अपना सांप लाइए, ये देखिए अभी जल्दी का पकड़ा हुआ है, लगभग 45-55 दिन हुआ होगा, 50 दिन, ऐसे लग रहा है देखने में जैसे असली है ही नहीं है, बताइए भैया। यही सब दर्द है ना, इनको कौन बचाएगा? ये कोई तमाशा की चीज़ तो है नहीं, अगर ये जीवन है, इसमें है जीव है, ये तमाशा की चीज़ नहीं है भैया। बोलिए भैया। हाँ आज इनको पता चला होगा कि हमको बचाने कोई आया है, इस चीज़ को आप लोग गौर से देखिए, सिर्फ मोबाइल निकाल लेते हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते, सही है गलत? नहीं सर सही है। आज इनके दिल दिमाग में आया होगा कि शायद मुझे कोई बचाने वाला आया, आखिर ये कैसे चिल्ला के तो कहेगा नहीं भैया मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, बोलेगा भैया मुझे छोड़ दीजिए? सर थोड़ा पकड़िए इसको, बांधो सर। हाँ दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, ये इसको इंग्लिश में, हमारे यहाँ इंग्लिश में कॉमन सिंडबो बोलते हैं, गांव में 2 मुहा सांप बोलते हैं, गोगी सांप भी बोलते हैं, और इधर पश्चिम दिशा में गेहूंर बोलते हैं, गेहूंर, गेहूंर नहीं, गेहूंर में से कोबरा बोला जाता है, बिहार की तरफ यहाँ गेहूंर ही बोलते हैं, और इसको हमारे यहाँ गेहूंर बोलते हैं। 2 मुहा सांप, एक बड़ा अंधविश्वास ये फैलता है दोस्तों इसके साथ, यह जो है करोड़ों का सांप है, करोड़ों में बिकता है ये, 25 करोड़ का। तो दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और काफ़ी दूर लेके चलते हैं, जंगल झाड़ियों में जहाँ घर परिवार ना हो, इसे छोड़ देते हैं, और इनको भी बचाने का आप भी काम कीजिए। इस वीडियो को दूर तक शेयर करके
ऐसे बेजुबानों को बचाने में हमारा हेल्प कीजिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ अपनी खुशी में आते हैं, इसको दिखा करके मांग खा लेते हैं, पेट का सवाल है, मुझे पता भी है। अच्छा, आप लोग यहाँ किस लिए आए थे आज? अच्छा, क्या था भैया, आप बता दो। नहान था, चंद्रावटी का नहान मांगने के लिए। अच्छा। दोस्तों, ये बगल में गंगा जी बह रही हैं, आज मौनी अमावस्या का दिन है। जिला कौन सा है? और आप भी रखे हो, अपना वाला लाओ। नहीं, मैं तो छोड़ दिया सर, झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हर साल छोड़ देता हूँ। हर साल अभी वाला तो दीजिए, अभी जो लाए दिखाया क्या यार भाई, मालिक वजह से यार, झूठ ना बोलो, कम से कम उसे छोड़ दो आज के दिन। जाओ लाओ, प्लीज प्लीज मेरे भाई, लाओ 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 लाओ, उसको छोड़ दो के बहुत मालिक आप पर मेहरबान होगा। जाओ लाओ, तुरंत लाओ। भैया मुझे ऐसा लगा आपके पास बहुत था, चुरा के गिलाए हो, मानो या ना मानो, नहीं आप उस्ताद हो, बोल दिए तो बोल दिए। चाचा आप आओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। अभी इसको नया पकड़े थे सर, देख रहे हो ना कितना फरार है। दोस्तों, ये इसका कलर आप देख करके समझ सकते हैं, इसे गेहूं कहते हैं, क्योंकि ये गेहूं के कलर का है। तो इसको इंग्लिश में तो नहीं, इसको हिंदी में हमारे यहाँ भारतीय नाग और इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, उड़ीसा में इसको गेहूं या तो नाग कहते हैं, और बिहार में भी इसे गेहूं कहते हैं, उड़ीसा में नाग या गोखुरा कहते हैं, साइंस इसको हमारा नाजा नाजा कहता है। दोस्तों, कहीं कहीं पर स्टेट में इसे पलटू के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका पसंदीदा भोजन चूहा है। भैया इसको भी पैक कर दिए, निकाल दीजिए। सर मैं इसी, इसकी पूरी लंबाई दोस्तों होती है लगभग 5 से 6 फीट के आसपास। अच्छा, इसका दांत हो तो तोड़ दिए होंगे? दांत नहीं टूटा, चेक कर सकते हैं, अभी सुबह के काटा हुआ है, दिखा दे रहा हूं। अरे खोज के मत दिखाइए, काटे हो तो दिखता, चलिए पैक करिए। नहीं नहीं काटा है सर, देखो ना, काटी तब वो जीत कैसे है? अरे तो का तुम्हारा कहना मर जाऊं? नहीं, अरे नहीं, सुबह तो बोलिए भैया, ऐसा मत करो भैया जान। हाँ भैया, छोड़ते रहे बेचारों को। दोस्तों, इनका जो रहन सहन, इनका जीवन है, वो जंगल झाड़ियों में है। आए दिन हमारे गांव, देश, समाज में, हमारे परिवेश में जंगल और पेड़ों की कटान होती चली जा रही, जिससे ये बेचारे वहां से निकल करके हमारे आपके घरों में, हमारे आपके रहन सहन परिवेश में आ जाते हैं। तो इनको पकड़ने का काम बहुत सारे लोग करते हैं, इनको पकड़ कर काफ़ी दूर छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे रोक देते हैं और दिखा करके अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं, आप उसको कर लीजिए, लेकिन इन विद्वानों के साथ अत्याचार ना करें, है ना भैया? आज इसको पता चला होगा कि मुझे कोई छोड़ देगा, है ना भैया? ये बेचारे आज जब ये जाएंगे जंगल में बहुत खुश होंगे और दिल खोल कर दुआएं देंगे। हाँ, अब आप एक चीज देखिए, मैं भी इन सांपों को पकड़ता हूँ और मैं भी छोड़ता हूँ, मेरा हाल देख लीजिए, और आप लोग देखिए इसका दांत तोड़ते हैं, इसके साथ अत्यानाश, सत्यानाश, तहस नहस, क्या क्या बोला जाता है, कर देते हैं, और आप लोग अपना देख लीजिए। सही है भैया कि नहीं? सही बात। तो अच्छा काम करेंगे, ऊपर बैठे हैं महादेव के देव, वो आपकी रक्षा करेंगे। माता जी समझ रहे हैं आप, थोड़ा गुस्सा आए तो बच्चे पे थोड़ा आराम कीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते मैं एक लोगों से और मुलाकात करवाऊंगा, जिन्होंने हमको यहाँ पर सूचना दिया कि एक मेला लगा है बहुत बड़ा, और वहाँ पर सराई बहुत सारे सांप हैं। कुछ लोग तो चले गए, मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। भैया कहाँ गए जो फोन किए थे, एक बार अपना नाम पता बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर शेख है, मैं इनार गाँव डंकापुर पोस्ट सिमराज इनार गाँव से आया हूँ, भदोही जिला से, और मेरा यहाँ नौनिहाल है, आया था 10 साल के बाद इधर। आप ये सब लोग को देखा तो मैं आपको फोन किया, कैसे पता चला कि मैं सांप पकड़ता हूँ? सर मैं आपका वीडियो करीब 3 साल से देख रहा हूँ, 3-4 साल हो गया। अच्छा अच्छा, गुड, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ ये एक माँ जी हैं और एक बगल में माँ जी हैं, तो चलते चलते इनकी रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, और सांपों को पालना, सांपों को रखना, सांपों को दांत तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, जुर्म है। इसके साथ साथ आप 6 महीने के लिए 50,000 का जुर्माना और 6 महीने के लिए जेल भी जा सकते हैं, कि आपका वीडियो रिकॉर्ड शूट हुआ है। तो आप लोग ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे, सांप को पकड़ेंगे और छोड़ देंगे, दांत को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? आगे से गलती नहीं होगी, कान पकड़िए, सही है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से पाए थे आप लोग? ये तो सर जहाँ फोन करते हैं आप चले जाते हैं, तो कई पैसे लेते हैं वहाँ से? जो सर दे देते हैं खुशी से। फिर भी लाख 50,000? नहीं,
2-4-5-100 जी माँ जी। चलिए दोस्तों, इनकी मैं एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ, आगे से निवेदन करते हैं भैया, ऐसा काम आप लोग मत करिएगा, पकड़िएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इनका इनका कितना देना भैया? एक सांप था। अच्छा, मतलब टोटल कितना सांप था आपका? 2 सांप, आपका भी 2 सांप, ये हो गया टोटल 6 सांप। ये भैया आप 2 सांप का, और ये माता जी आपका 2 सांप का, भैया 1 सांप आपका था और माँ जी आपका, ये चलिए अच्छा 2। भैया संतुष्ट हैं आप लोग? लेकिन ये माता जी के होने की वजह से, और ये भी माँ जी हैं, ये आप 1-500 आप भी ले लीजिए और 1 आप ले लीजिए, ठीक है माँ जी? अब चलिए बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, जाए माँ जी, नाराज मत होइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेजवानों को फिर से बचाते हुए, और तब तक के आप सभी को जय हिंद और बाय। लेकिन उससे पहले, बेजवानों को बचाने का ये मेरा काम आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर कहीं त्रुटियां हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों, मुरली वाले हौसला चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए, और इन बेजवानों को बचाने का जो सिलसिला है उसे भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, फटाफट के अंदाज में जो इन बेजवानों को उनसे छुड़ा करके लाए हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इनको हम छोड़ देते हैं, जैसा कि आपने वीडियो को देखा। चलिए तो दोस्तों, इनको इस जंगल में रहना बहुत ही ज़रूरी है, इनको ये लोग काफ़ी दिनों से पैक करके, इन बेचारों को आप दोस्तों इन्हें देख सकते हैं, एक साथ ये बेचारे इतने दिन से, इनके दांतों को इनको तोड़ करके रख दिया गया है, अब ये दोस्तों आराम से इनको जंगल में रिलीज़ कर दिया गया है, ये बेचारे 4 हैं। चलिए तो दोस्तों, इनको बचाना, जंगल में इनको रिलीज़ करना अपने जीवन की दिनचर्या सी बन गई है। अब इनको मैं दोस्तों यहीं पर रिलीज़ कर दिया हूँ। इन्हीं के साथ साथ दोस्तों, ये 2 सांप और भी थे, जिनको हम कॉमन सेंडबोआ भी बोलते हैं, ये दोस्तों हैं। चलिए, इनको भी यहीं पर रिलीज़ कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में और भी लाए हैं सांपों को, 2-3 सांप और हैं जिसको हमने रेस्क्यू किया था, उनको भी यहीं पर रिलीज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, तो दोस्तों ये इनको एक साथ पकड़ करके जंगल में रिलीज़ करना, आप देख सकते हैं मोटे से मोटे सांप। तो दोस्तों, इनको पकड़ करके यहीं पर इनको छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, अगर इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये किस प्रकार से जा सकते हैं। ये दोस्तों, इसकी पूरी लंबाई हालांकि हमारे भारत में काफ़ी बड़ी है ही है, इसको आप देख के अंदाज़ा लगा लीजिए, इसकी पूरी लंबाई दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जब भी ऐसा सांप काटे तो सीधा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, किसी जड़ी बूटी और झाड़ फूँक के तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें। हमारे भारत में दोस्तों बहुत सारा ऐसा अंधविश्वास फैला है इनको लेकर के, लोग जड़ी बूटियाँ दवा पीने पिलाने के चक्कर में जाते हैं, जहाँ पर हमारे भारत में अंधविश्वास की वजह से हर साल लगभग 40,000 से 45,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी को दोस्तों कोबरा, नाक फिटार, गेहूं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चलिए, इसको हम रिलीज कर देते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, इनकी कई वेराइटियाँ होती हैं हमारे भारत में, ये ब्लैक कलर के भी होते हैं, ब्राउन होते हैं, और कहीं कहीं पर वाइट मिलते हैं, जिसे हम एल्बिनो स्नैक कहते हैं, ये होता है। तो ये दोस्तों काफ़ी घना जंगल था, ऐसे बेजवानों को रिलीज़ करके काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेजवानों को बचाते हैं, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय।